बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज मैं आपके लिए हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा यानी कि तलबीना लेके आया हूँ। ये कैसे बनाते हैं और इसके कितने फ़ायदे हैं, ये आपने एक एक चीज़ को नोट करना है। तो मैं आपको तलबीना की तरकीब पहले बताऊंगा, साथ ही साथ मैं आपको इसके जितने फ़ायदे हैं वो भी साथ साथ बताता जाऊंगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि बहुत ही शानदार वीडियो है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। तो सबसे पहले नाज़रीन ये देखें, ये दलिया है जौ का, ये 250 ग्राम है। इसको मैंने एक घंटा पहले भिगो के रखा हुआ था ताकि ये नरम हो जाए। तो अब इसको हम बॉयल करेंगे और ये पानी में मैं बॉयल कर रहा हूँ, दूध में भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन पहले मैं इसको पानी में बॉईल करूंगा। और ये साथ ही 100 ग्राम गुड़ है और ये 8 से 10 खजूर जो कि मैंने इनको काट के डाल दिया, और साथ ही ये 8-10 इलायची, छोटी इलायची। ये इन सब को अब मिक्स कर लेते हैं और बॉईल करते हैं ताकि ये दलिया हमारा नरम हो जाए। थोड़ी देर के लिए इसको ढक के रख देते हैं और उसके बाद नाज़रीन ये देखें, इसकी थिकनेस आप देख रहे हैं। और अब इस स्टेज पर आके इसमें मैं दूध का इस्तेमाल करता हूँ। दूध मैंने आधा किलो लिया है और इसमें अब इसको बॉयल करेंगे ताकि कोई कमी पेशी रह गई है तो वो भी दूर हो जाएगी। नाज़रीन, अगर आप इसमें शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं तो ज़रूर करें। और ये है बादाम बारीक काट के मैंने डाले हैं, और साथ ही ये पिस्ता है, ये भी बारीक काट लिया था, थोड़ा सा बचा लिया है, बाद में इसको इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी देर के लिए ढक के रख देते हैं। तो उसके बाद नाज़रीन ये देखें इसकी थिकनेस, और ये तकरीबन माशाल्लाह हमारा ये तलबीना ये तैयार हो गया है। तो इसको डिश आउट करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, और जो बादाम और पिस्ता और खजूर बच गई थी मैंने इनके लिए गार्निश के लिए रखे हुए थे, तो इसके ऊपर ये गार्निश कर लेते हैं। और ये तलबीना हमारा माशाल्लाह मुकम्मल तैयार हो गया है। और ये आप अगर अल्लाह ना करे कोई बीमार हो तो उसको आप दे सकते हैं, पट्ठों में अगर कमज़ोरी हो, जिस्म में थकावट हो फिर भी आप इस्तेमाल करें, और अगर कोई खुदा ना खासा डिप्रेशन है तो फिर भी इसको आप इस्तेमाल करें, बहुत ही फ़ायदा होगा। और नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि इससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप टाइम पर हमारी वीडियोस देख सकेंगे। हम आपके लिए इसी तरह नई से नई वीडियो पेश करते रहेंगे। आइंदा वीडियो तक गुल चाचा आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह नेगेबान।